1993 में एक फिल्म आती है बॉक्स ऑफिस पर। बॉक्स ऑफिस के लीड रोल में नजर आते हैं शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है। उसके बाद दोस्तों बॉक्स ऑफिस पर 1993 के बाद शिल्पा शेट्टी और शाहरुख खान की कोई फिल्म नहीं आती है। लेकिन दोस्तों अब फाइनल हो जाइए, कन्फर्मेशन हो जाइए, एक नई स्क्रिप्ट मिल चुकी है हाथ। यानी कि दोस्तों फिल्म का नाम रहता है बाजीगर में बाजीगर। जी हाँ दोस्तों, फाइनल हो जाइए, कंफर्मेशन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बाजीगर 2 की खबर आ रही है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, पार्ट 2 बनने की खबर आ रही है और 2024 में ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगी फिल्म को लेकर, जिसका कि दोस्तों बेसब्री से दर्शक इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार अब खत्म होगी फिल्म को लेकर। यानी दोस्तों फाइनल हो जाइए, कन्फर्मेशन हो जाइए, क्योंकि दोस्तों बाजीगर 2 बनने की खबर आ रही है। ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन दोस्तों खबर आ रही है बॉलीवुड की गलियारों से उड़ते उड़ते। यानी कि दोस्तों फाइनल हो जाइए, कन्फर्मेशन हो जाइए, पार्ट 2 आनेगी तो बॉक्स ऑफिस पर सीधा सिस्टम फाड़ के जाएगी फिल्म। यानी कि दोस्तों बाजीगर 2 की खबर आ रही है, जिसमें कि दोस्तों लीड रोल में शाहरुख खान ही नजर आएंगे बॉक्स ऑफिस पर। और फाइनल रूप से कन्फर्म हो जाइए, अगर जो पार्ट 2 आती है लाजवाब है, फिल्म के कलेक्शन में काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेगी शाहरुख खान की ये फिल्म, जो कि दोस्तों 1993 में बॉक्स ऑफिस पर एक अलग लेवल की कमाई की थी फिल्म, और बॉक्स ऑफिस पर सीधा सिस्टम फाड़ के रखी थी 1993 में ये फिल्म। तो दोस्तों पार्ट 2 आएगी तो दोस्तों लाजवाब है, फिल्म के कलेक्शन में भी काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिलेंगे। बाकी दोस्तों बाजीगर 2 से कुछ और अपडेट आती है, लेटेस्ट न्यूज़ आती है, सबसे पहले समोसा क्रिटिक चैनल के माध्यम से ही दिया जाएगा। और अब दे भाई को सीधा